अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम अभी नया कानून पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारा सेक्शन कवर किया। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि एक किताब है, ठीक है, जिसका नाम है, पब्लिकेशन है यूनिवर्सल लेक्सिस नेक्सिस, बहुत फेमस किताब, बहुत फेमस पब्लिकेशन है, ठीक है। तो इनके किताब में एरर पकड़ा गया है, एरर पकड़ा गया है, कौन सा एरर पकड़ा गया है ये सब हम जानेंगे। हमने इससे पहले आपको ये बातें बता दी हैं, मतलब ये बातें नहीं बताई है, लेकिन हमने आपको इस सेक्शन के, जो सेक्शन में पकड़ा गया एरर, ये हमने आपको पहले बता दिया है। हमने आपको पहले मॉब लिंचिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है हमने आपको बता दिया है। इन्होंने तो एक सेक्शन के बारे में बात किया है, हमने आपको दो सेक्शन बता रखे हैं पहले से, ठीक है। तो उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो जो बदलाव हुआ वो तो हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हुआ, ये एरर कौन से सेक्शन में आया। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये एरर ढूंढा गया है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा, 1 जुलाई 2024 का ऑर्डर है। इसके जो ऑथर कह सकते हैं, क्योंकि सो मोटो एक्शन को ढूंढा किसने, आनंद सेन ने, और बेंच कौन सा है, आनंदा सेन और सुभाष चंद्र, यानी डिवीजन बेंच है, ठीक है। अब इसमें है क्या कि रिट पिटीशन फाइल हुआ था कौन से वे में, पीआईएल के वे में। पीआईएल क्या होता है हमने बहुत पहले आपको बता दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो इसका नंबर था 3865, यानी 3865 ऑफ 2024। इसमें कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सल लेक्सिस नेक्सिस का जो किताब है, जो इनका बियर एक्ट है, इसमें सेक्शन 103 और क्लॉज 2 में एरर है, मिस्टेक है। हालांकि इतना बड़ा पब्लिकेशन है, इनसे एरर ही हो सकता है, मिस्टेक ही हो सकता है, गलत तो ये बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं तो गलत तो ये बताएंगे नहीं, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है वहाँ, और वो लग भी रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। हुआ क्या कि ये एक बिल्कुल नया प्रोविज़न था, ठीक है। मर्डर पहले भी था 103 में, आज भी मर्डर है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर, लेकिन जब इसका क्लॉज 2 हम पढ़ते हैं तो इसमें एक मॉब लिंचिंग नाम का चीज़ आया है। हालांकि डायरेक्टली मॉब लिंचिंग नहीं लिखा गया, लेकिन मॉब लिंचिंग के डिफिनीशन से 2 कॉपी मैच करता है, ठीक है। इसको हम आपको बता देते हैं, हमने पहले भी बता रखा है, फिर बताते हैं कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जान से मार देते हैं, कौन से ग्राउंड पर, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, ठीक है, ये ग्राउंड है। और एनी, देखिए यहीं पर मिस्टेक है, और एनी जो किताब है यूनिवर्सल का, इसमें लिख दिया है और एनी अदर ग्राउंड, ठीक है। ये बहुत बड़ा बवंडर हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। पर एक्चुअल है क्या, गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें है अदर सिमिलर ग्राउंड, क्योंकि देखिए जब सिमिलर ग्राउंड की बात होती है तो फिर एक नैरो पाथ बच जाता है, ठीक है, एक छोटा सा रास्ता बचता है कि इसी के दायरे में रहना है। लेकिन जब हम अदर ग्राउंड कर देते हैं तो ये बहुत वाइड हो जाता है, इतना वाइड हो जाता है कि कहीं से भी कोई भी घटना को अगर 5 से 5 अधिक व्यक्ति अंजाम देते हैं तो उसको इस घटना के तहत, इस सेक्शन के तहत सजा सुनाई जा सकती है, ठीक है। तो एक सिमिलर वर्ड हट जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसीलिए लॉ बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसमें एक एक वर्ड का अपना एक वैल्यू है, ठीक है। इसमें एक वर्ड हटा, कहावत है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो लॉ वही चीज़ है, अगर थोड़ा सा नज़र हटा, ठीक है, क्योंकि लॉ पूरा बेस्ड होता है इंटरप्रिटेशन पे, आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी भी लॉ का, किसी भी वर्ड का, ये आप पर और कोर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहीं पर ये बात आ गई कि यहाँ पर आपको अदर सिमिलर ग्राउंड करना था लेकिन आपने अदर ग्राउंड कर दिया, तो ये एक मिस्टेक इनसे हो गया। हमने आपको सब कुछ बता दिया है, अब नंबर भी बता दिया, आप नंबर जाकर चेक भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे आपको, क्योंकि हमने गलत नहीं बताया था, क्योंकि हमने 103 क्लॉज 2 के बारे में आपको पहले बता रखा है, हमने गलत नहीं बताया था, वो आज भी वहाँ पर है, हम देख लीजिएगा आप। और उसमें हमने एक और सेक्शन बताया हुआ है जो कि मॉब लिंचिंग की बात करता है, ठीक है। इसमें तो एक बताया, हमने आपको 2 बताया है, वो दोनों ही नया प्रोविज़न है, आप एक बार उसको जरूर देख लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेक्शन के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।